200 किलोमीटर पर लीटर है ना, कमाल की माइलेज। ऐसी माइलेज सुनी है कभी? मैंने सुना दी आपको, लेकिन आज सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं, प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। प्रेजेंटिंग यू दी हैवल H6 प्लग इन हाइब्रिड, जो कि प्रोवाइड करती है 200 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, यानी कि एक लीटर पेट्रोल में आप जा सकते हो 200 किलोमीटर। एक लीटर की कीमत तुम क्या जानो हैवल बाबू, ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू जानती है, तभी आपको प्रोवाइड कर पाती है 200 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। यकीन नहीं हो रहा ना, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उस व्हीकल के बारे में। टाटा हैरियर जैसी गाड़ी के साथ इसका कंपटीशन होता है। अगर हम साइज़ की बात करें, 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है, जो कि 530 न्यूटन मीटर 323 पीएस की पावर जनरेट करके देता है, कमाल की एक्सप्रेशन। और इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो है ही है। ADAS फीचर्स है, 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंटीरियर से लेकर इसमें आपको एक्सटीरियर में भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और पावर टेलगेट भी है। सारा कुछ अभी बता दूंगा तो वीडियो कौन पूरी देखेगा? आपने वीडियो पूरी देखनी है ना, देखोगे ना तो ये पूरी गाड़ी के बारे में जान लो, पता लग जाएगी एक एक इन्फॉर्मेशन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो हैवल का बड़ा सारा लोगो मिल जाएगा फ्रंट में, 360 डिग्री कैमरा का पहला कैमरा, और नीचे की तरफ इसका ADAS का बड़ा सेंसर मिल जाता है। पूरी जो ग्रिल है वो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन की लगती है मुझे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी उठकर आ रही है ग्रिल, और इतनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। क्रोम का उतना ही काम किया गया जितना ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ ब्लैक्ड आउट आपको पूरी स्किड प्लेट मिल जाती है फ्रंट, जो थोड़ी सी एक्सटेंडेड भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक इसको प्रोवाइड कर रही है। 6 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में मिल जाएंगे। LED हेडलैम्प सेटअप आपको कम्प्लीटली मिलेगा। LED ही प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी ऑफर किए जाते हैं, और लाइट्स इतनी स्लीक और इतनी डिज़ाइन वाली लग रही है ना, स्टाइलिश, मज़ा ही आ गया। फ्रंट लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें। एडिशनली ADAS के जो फीचर्स मिलते हैं उसको असिस्ट करता है इसका ये फ्रंट कैमरा। यहाँ पर आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, और इवन कर्व पे जो बेंड वाला क्रूज कंट्रोल अडैप्टिव वाला होता है वो भी काम करता है। सारे फीचर्स की यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर फोटोज वीडियोज लगती रहेंगी, तो उसे इन्जॉय करें, समझें कि ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स आपको हैवल H6 में मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। 19 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स, बहुत ही स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बड़ी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक भी प्रोवाइडेड है, 225/55 का सेक्शन है, टायर वॉल भी सही है, विड्थ भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और ड्यूल टोन ट्रीटमेंट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओवरऑल साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छी डायमेंशंस आपको मिल जाती है। ORVM टर्न इंडिकेटर सब मिलेगा, राइट साइड पे 360 डिग्री कैमरा, फंक्शनल प्रॉपर रूफ रेल्स ऑफर किए जाते हैं। डायमेंशंस के आइडिया के लिए आपके लिए लगा देता हूँ यहाँ पर टाटा हैरियर और MG हेक्टर की डायमेंशंस भी, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये गाड़ी है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्रोम की लाइनिंग है, सैटिन क्रोम भी है, नीचे आपको अलग से साइड स्टेप जो है वो भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर मैं आराम से पैर रख सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हैं, दैट्स रियली रियली कूल। इंटीरियर इतना प्रीमियम है कि आपको 5 सेकंड की ग्लिम्स दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं इसकी बाकी साइड प्रोफाइल में। 5, 4, 3, 2, 1, चलो बस 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 बस, अभी नहीं, सब बताऊंगा, सब दिखाऊंगा अभी। रियर में भी आपको प्रॉपर जो टायर है वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ ही ऑफर किया जाता है, लेकिन आपका ध्यान क्या होगा इस तरफ। यस, दिस इज एन इलेक्ट्रिक, एक्चुअली नॉट द फुली इलेक्ट्रिक, दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बैटरी तो ऑफर की जाती है। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन तो पावर देता ही है, यहाँ से आप इसको जो है चार्ज कर सकते हो। स्लो चार्जर, AC चार्जर और DC चार्जर भी आपको इसमें प्रोवाइडेड है, यानी कि फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटीज भी है। अब इस EV बैटरी पर और इलेक्ट्रिक मोटर की पे अकेले अगर आप इसको सिर्फ EV मोड पे भी चलाना चाहते हो ना, तो 200 किलोमीटर तक ही जा सकती है, तभी ये अचीव कर पाती है 200 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इस व्हीकल को करना पड़ता है चार्ज। लेकिन ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी रियर प्रोफाइल दिखा दूँ, इसमें ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो दिखा के फिर आपको इंजन, इलेक्ट्रिक और माइलेज का एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियर प्रोफाइल पूरा लंबा हाई स्टॉप लैंप, स्पॉइलर बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है, शार्क फिन इंटीरियर अच्छा लगता है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है, पूरी कनेक्टिंग आपको मिल जाती है इसके टेल लैंप, जो कि कंप्लीट LED है, चाहे इंडिकेटर हो चाहे रिवर्स लाइट। हैवल का बड़ा सारा लोगो मिल जाएगा, क्रोम फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है, ग्रेट वॉल मोटर्स का लोगो इस तरफ। यहाँ पर देखेंगे तो इसको H6 प्लग इन हाइब्रिड की बैजिंग और इवन बूट प्रोटेक्टर भी है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर अगेन 6 मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा तक प्रोवाइडेड। और इतना ही नहीं, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट इज द पावर्ड टेलगेट। अब पावर टेलगेट के साथ आपके सबसे अच्छे बेनिफिट्स ये होते हैं कि वॉक अवे फीचर या वॉक इन वाला फीचर भी है, पास आओगे तो बूट ओपन हो जाएगी अगर आपकी पॉकेट में की है तो। 500 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि एडजस्टेबल है। एक अच्छी ट्रे भी आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ आप इसके स्पेयर टायर तो नहीं बल्कि बैटरी को पाओगे, स्पेयर टायर नीचे से आएगा, और यहाँ पर आप इसका चार्जर रख सकते हो, जो कि आपको घर पर मिलेगा। थोड़ी सी टूल किट भी है, वो भी प्रोवाइडेड है। LED लाइट्स मिल जाती हैं आपको,
और ऑफ कोर्स ये कर्टन मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप अपना सामान सॉरी अपना सामान भी रख पाओगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइडेड है। एनीवेज अब चलते हैं इसके फ्रंट में, आपको इंजन माइलेज पावर सब समझा देता हूँ। इंजन बताने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व मैंने की, बोनट इज़ रियली हैवी एंड इट्स अ गुड थिंग। बिल्ड क्वालिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस व्हीकल की, चाहे डोर्स हो चाहे बोनट हो चाहे हुड बैक, सब कुछ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। चलो अब इसका सीक्रेट, 200 किलोमीटर माइलेज तो मिल जाता है, लेकिन कैसे ही मैं आपको बताता हूँ। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, 326 पीएस की पावर, 530 न्यूटन मीटर स्टॉक ये प्रोवाइड करके देता है। लेकिन सबसे खास बात है इसमें आपको इलेक्ट्रिक बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, उसी वजह से ये इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो फ्रंट ड्राइव एलिमेंट पूरा मिल गया। 34 किलोवाट आर की बैटरी है जिसे आपको चार्ज करना पड़ता है, डीसी चार्जर से यूज़ करोगे तो आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, और अगर एसी चार्जर यूज़ करोगे घर वाला तो वो 5 से 6 घंटे, डिपेंडिंग कितनी फ्लक्चुएशन कितनी फ्रिक्वेंसी स्पीड आ रही है, क्योंकि बैटरी साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर तो आप सीधा सीधा जा सकते हो सिर्फ बैटरी पे अगर आप जाते हो तो, यानी कि इलेक्ट्रिक मोड पे, ईवी मोड पे। पेट्रोल भी होगा और ईवी मोड भी होगा तो आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है, तो आप आराम से घूम फिर सकते हो। एक हफ्ते में एक बार चार्ज करो, चलाते रहो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल भराओ, 200 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज पाओ। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपके पास एक प्योर इलेक्ट्रिक है तो आपको हमेशा उसको चार्ज करना पड़ता है, ये हर किस ये वही चीज़ है जिससे हर कोई भागता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली प्लग इन हाइब्रिड्स की बात करें तो रेंज एंजाइटी खत्म हो जाती है, और अगर आपके पास चार्ज की फैसिलिटी है जो कि 99% ऑफ द टाइम होती है, घर पे आप चार्ज करते हो तो आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़, पावर अच्छी मिल जाती है, पोल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम जनरेट होता है, और आपको रेंज एंजाइटी नहीं होती कि यार मुझे चार्ज करनी, क्योंकि अगर बाई चांस चार्ज नहीं भी हुई, एमरजेंसी भी हुई, तो आप पेट्रोल ओनली मोड पर तो चला ही सकते हो ना, क्या होगा, थोड़ी माइलेज कम आ जाएगी, 200 किलोमीटर नहीं आएगी, 25 किलोमीटर आ जाएगी, बट आप चला तो सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि अगर आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की कोई गाड़ी लेते हो तो अगर ईवी बाय चांस नहीं भी है, चार्ज अपनी गाड़ी नहीं भी कर पाए, तब भी एटलीस्ट पेट्रोल ओनली पे तो आप इस व्हीकल को चला ही पाओगे। ये है इसका राज, 200 किलोमीटर पर लीटर माइलेज का। अब चलते हैं इसके प्रीमियम इंटीरियर्स पर। डोर साइड्स प्रीमियम, पूरी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल इधर भी मिल जाता है। ये जो गोल्डन फिनिशिंग है इतनी अच्छी लग रही है ना, ब्रॉन्ज और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और बिल्कुल भी आंखों को चुभ नहीं रहा, इतने अच्छे तरीके से ब्लैक और बेज के साथ ब्लेंड हो रहा है। दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच, बड़े स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 8 स्पीकर सिस्टम है इसमें आपको ऑफर किया जाता है, 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स ही, सब ऑफर की कमी मुझे लग रही है, बट आई थिंक कुछ मॉडल्स भी एज ए नेसेसरी आप लगवा सकते हो। क्रोम ओवरवीएम और विंडो कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक, और ये ग्रूविंग डिज़ाइन आपको मिल जाता है, तो जहाँ पर देखोगे आपको प्रीमियम फील आएगी। बड़ी बॉटल और मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शंस है, काफ़ी सामान आप अपने यहाँ रख पाओगे। अंदर की तरफ अगर आप आओ तो आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीट्स ऑफर की जाती हैं जिसको आप स्लाइड कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट तो नहीं, लेकिन आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो और रिक्लाइन भी कर सकते हो, यानी कि 6-way पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको ऑफर की जाती हैं इसमें। तो ये तो सीट के कंट्रोल्स हो गए, अगर आपको बैक कंट्रोल करनी है तो लंबर सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, यानी कि 8-way कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हो गई। राइट साइड पे कंट्रोल्स, यानी कि बूट के, हेडलाइट लेवलर, फ्यूल ओपन और हिल डिसेंड कंट्रोल का स्विच मिल जाता है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है, हालांकि इसको खोल नहीं सकते बिकॉज ये फ्यूज बॉक्स है नीचे, हुड ओपन करने तो आगे से कर सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल इस तरफ यहाँ पर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको वाइपर्स इसके राइट साइड पे, बहुत अच्छी क्वालिटी, वही ब्रॉन्ज के एसी वेंट्स, और साथ में मिल जाते हैं यहाँ से कंट्रोल, और एसी अभी ऑन भी है, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा, हेड्स अप डिस्प्ले तक आपको ऑफर की जाती है इस पे, और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, बिकॉज उसका एक रीज़न बताता हूँ। जो ये हेड्स अप डिस्प्ले है ना, ये अलग से बाहर नहीं आती, लेकिन इसी की डिस्प्ले आपको यहाँ इस शीशे पे आती है, और इतने अच्छे तरीके से आती है, अलग से एक ग्लास नहीं निकल के आता जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे हमने बाकी कार्स में देखा है। इसी ग्लास के ऊपर इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा, अब मैं कैमरे में अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाऊंगा, बट अभी मुझे जैसे अपनी जो MID की स्क्रीन वहाँ पर नज़र आती है, यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर जो लिखा हुआ है, आई विश मैं आपको दिखा पाता स्क्रीन पर, बट बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो पाएगा कैमरे के ज़रिए। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको दिखाता, रुको, यहाँ पर है 0 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, लेकिन ऑफकोर्स वो छोटा आ रहा है एक्चुअली अभी, बट एनीवेज छोड़ो इसको, अभी बात करते हैं इसकी बाकी इंटीरियर। बता दिया ना हेड्स अप डिस्प्ले, इतना तो यकीन कर लो मुझ पर। रही बात इसके स्टेयरिंग की, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, हैवल का बड़ा सारा लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर भी ब्रॉन्ज फिनिशिंग है, लुक्स रियली रियली नाइस, आपको एक स्लीक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। सारे कंट्रोल्स आपको इस तरफ मिल जाएंगे, हालांकि जो ADAS के फीचर्स हैं वो आपको MID और टच स्क्रीन से कंट्रोल करने होते हैं, वो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर मिल जाता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल्स भी आपको यहीं से ऑफर किए जाते हैं, जो बढ़िया लगते हैं। चलिए अब उस साइड से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ।
को ड्राइवर साइड पे भी आपको कंप्लीट वैसे ही कंट्रोल्स मिल जाते, सिर्फ ओआरवीएम नहीं मिलेंगे लेकिन बाकी कंट्रोल्स, लेकिन लुक कमाल की है, हर जगह आपको सॉफ्टवेयर मटेरियल, मल्टीपल स्टोरेज स्पेस, और हाँ वो स्पीकर और ट्विटर तो आपको मिलेगा ही। को ड्राइवर सीट वो भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, लुक्स रियली रियली कूल। रही बात इसकी एडजस्टमेंट की, तो यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो, तो बॉसमैन फीचर भी मिल जाते हैं, यानी कि पीछे बैठे वाला पर्सन भी यहीं से इस सीट को एडजस्ट कर पाएगा और आगे से तो कर सकता ही है। तो यहाँ पर भी आपको फोर वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। बड़ी 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन और 10.25 इंचेस की डिजिटल कंप्लीट एमआईडी आपको मिल जाती है, जिसकी एनिमेशन इज रियली रियली कूल। सारे एडीएस के कंट्रोल की एनिमेशंस आपको यहीं मिल जाती है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन से लेकर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, और ऑफ कोर्स आगे के जो फर्दर व्हीकल्स डिटेक्ट करने वो भी यहाँ क्रिस्प एंड क्लियर आते हैं। दिस इज अ फुल एचडी प्रॉपर डिस्प्ले, सच्ची बताऊँ दिखने में तो 4K लगती है। एनीवेज यहाँ पर अगर स्क्रीन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से लेआउट है और बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंट तरीके से काम भी करती है। एक एक फीचर इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि मुझे तो आईपैड लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको फंक्शंस मिलेंगे, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलेगी, सेटिंग्स, प्रोफाइल, अलग अलग लोगों के प्रोफाइल के हिसाब से जो सेटिंग्स है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सपोज ड्राइवर वन, या सपोज मेरे फादर हैं तो उनका नाम यहाँ पर लिखा आ जाएगा, तो उनकी सेटिंग्स, उनकी थीम, किस तरीके का म्यूजिक वो सुनते हैं, किस तरह के उनको फीचर्स चाहिए होते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से मल्टीपल यूजर्स अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। एसी कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, फैन की स्पीड है, ये पूरे एसी कंट्रोल का लेआउट है, तो फैन की स्पीड मेरे को फुल करनी है, मैं यहाँ से कर पाऊंगा। इवन वेंटिलेटेड सीट्स के जो कंट्रोल है वो आपको टच स्क्रीन से मिल जाते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों को ही ऑफर किए जाते हैं, ये ड्राइवर ये को ड्राइवर, यहाँ से भी इसको ऑन करके अब मैं वेंटिलेशन जो है वो ऑन अपनी कर सकता हूँ। रही बात और फीचर्स की, तो डिफॉगर ये वो सब जो है, मतलब जितने कंट्रोल्स होते हैं ना गाड़ी के, सब टच स्क्रीन से। लेआउट बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे देखोगे तो कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ एसी के मिल जाते हैं, हैजर्ड लैंप्स ऑन करने की ऑप्शन, पार्किंग, कैमरा, अब ये है इसकी मेजर हाईलाइट, 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी इतनी बढ़िया कि यहाँ पर मुझे स्मार्टफोन्स, महंगे स्मार्टफोन्स, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के कैमराज याद आ रहे हैं, और इतना ही नहीं हाईली कस्टमाइज, ये डायनामिक गाइडलाइंस आपको मिल रही है। साथ में ये जो व्हीकल देख रहे हो, यानी कि हमारा व्हीकल, 360 मोड पे आप इसे स्विच करके अलग अलग मोड्स देख सकते हो, अलग अलग एंगल्स देख सकते हो। इवन अगर ये सपोज बूट ओपन होती, मैं रुको आपको इस एंगल से दिखाता हूँ, ये ड्राइवर साइड का डोर है, ये मैंने ड्राइवर साइड का डोर खोला, ये पूरी एनिमेशन से ड्राइवर साइड का डोर खुल गया, वाओ, और क्रिस्प एंड क्लियर। इतना ही नहीं, कोई अगर पर्सन व्हीकल के पास आएगा तो उसके सेंटीमीटर्स में भी लिख देता है कि भाई इतने सेंटीमीटर वो पर्सन दूर है अभी इस कैमरा से या उस डिस्प्ले से, डिपेंडिंग मैंने कौन सा मोड जो है वो ऑन किया हुआ है। इधर से मैं सारे जो मोड्स हैं उनको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, कितनी मेरे को ट्रांसपेरेंसी रखनी है, विजिबिलिटी कितनी रखनी है, टायर्स दिखाने हैं, डायनामिक गाइडलाइंस अगली दिखा, सब कुछ, सारी की सारी सेटिंग्स आपको इस व्हीकल में जो है वो ऑफर की जाती हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो ये स्क्रीन है मुझे तो अभी तक की बेस्ट लगी, हम BMW मर्सिडीज की स्क्रीन भी देखते हैं, नो डाउट उसमें एक्स्ट्रा गिमिक्स आते हैं कि वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज करो, ऐसे ऐसे इंक्रीज करो, वो सब आते हैं, बट क्वालिटी वाइज दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छी लगती है। नेविगेशन इनबिल्ट मिल जाती है, क्रिस्प एंड क्लियर है, वॉइस कमांड्स तक आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको नीचे मिल जाएगा, और पियानो ब्लैक की फिनिशिंग पूरी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, एडजस्टेबल कप होल्डर्स का डिज़ाइन यहीं पर मिलेगा, नॉब के ऊपर ज्वेल का डिज़ाइन है, पार्किंग है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, सारे ऑप्शंस आपको यहीं मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ओपन होती है, फास्ट भी है और आवाज़ बिल्कुल नहीं करती, ऐसे नहीं कि टक 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 कर रही है, तो अनलॉक करो बहुत अच्छे तरीके से सुनगी, स्टोरेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। इतना ही नहीं, ग्लव बॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सॉफ्ट टच ओपनिंग के साथ मिल जाता है, बिल्कुल भी आवाज़ आपको नहीं करके देता। तो ओवरऑल इंटीरियर नीचे नीचे का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऊपर ऑटो IRVM, इस तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा वैनिटी मिरर विद दो दो लाइट्स, पूरी ब्यूटी नीड्स का ध्यान रखा गया आपका। इस तरफ भी देखेंगे तो बड़ा वैनिटी मिरर विद दो दो लाइट्स, अब यहाँ पर वार्म वाइट दिया गया इसीलिए ताकि आपके स्किन की टोन नेचुरल आए, अगर व्हाइट लाइट होती तो वो अलग सी लाइट होती, और अगर हेलोजन लाइट प्रॉपर येलो होती तो टोन खराबी हो जाती है। तो रीडिंग लैंप्स आपको LED मिल जाते हैं जो कि अगेन ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ ऑन ऑफ होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके की लगती है, और साथ में मिल जाते हैं आपको सनरूफ के कंट्रोल्स, क्योंकि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है, ये मैंने अभी सनरूफ कर दी क्लोज, और पूरा सनशेड जो है वो भी साइलेंटली बहुत फास्ट तरीके से बंद या ओपन हो जाता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अभी लाइट कम हो गई होगी आपके लिए, तो इसको ओपन वापस कर ही देते हैं। मल्टीपल एयरबैग्स, ADAS फीचर्स, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, सेफ्टी की जो चीज़ बोलोगे वो आपको इस गाड़ी में मिलती है। पूरे सेंटर कंसोल के नीचे आपको अलग से स्टोरेज स्पेस मिल जाए जो कि हिडन टाइप है, ताकि आपके जो सामान रखने का तरीका है वो दूसरे लोगों को ना दिखे, यानी कि अगर आप अच्छे से सामान नहीं भी रख पाते तो नीट एंड टाइडी तरीके से नीचे आपको जगह मिल जाती है, जहां पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं, और बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, वॉलेट, शेड्स, कीज़,
फोन जो रखना चाहो वो रख सकते हो। डोर साइड तो सच्ची में बताऊं फैन बन गया, ब्रॉन्ज बेज ब्लैक लेदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग क्रोम लाइन सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ भी ओवर नहीं लग रहा। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। डिजाइन पे तो 10/10, जिसने भी व्हीकल का डिजाइन किया ना यार, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस व्हीकल। चलो अब इंटीरियर की सीट्स दिखाता हूँ। रियर सीट्स वेरी कंफर्टेबल। तीन चार मेजर हाइलाइट्स आपको बताता हूँ। एक तो लेगरूम की कोई कमी महसूस है ही नहीं, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, टनल ना के बराबर है तो तीन लोग अच्छे से बैठ पाते। ये बहुत रेयर होता है एसयूवीज में कि टनल कम हो और तीन लोग पीछे बैठ पाए, तो जेन्युइन फाइव सीटर आपको मिल जाती है। कप होल्डर्स विद प्रॉपर आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लुक्स रियली रियली कूल। स्टडी क्वालिटी है, बहुत अच्छी लगती है, और साथ में तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट और सीट बेल्ट प्रोवाइडेड है। लेदर मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया, पोर्स वाली आपको प्रॉपर सीट मिल जाती है जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए आपको यहाँ पर रियर एसी वेंट्स और यूएसबी टाइप ए और साथ में दो दो बेसिकली यूएसबी टाइप ए के फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स ऑफर किए जाते हैं, तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जो लॉक लग जाते हैं ना, ये एडिशनली हेल्प करते हैं आपको एक बढ़िया लुक प्रोवाइड करने के, नीट एंड टाइडी लाते हैं। स्टोरेज स्पेसेस आपको सीट के पीछे भी मिलेंगी, साइड पे तो मिल ही रही हैं, और उसके अलावा आपके लिए कप होल्डर्स की स्टोरेज तो है ही, लेकिन व्यू भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो पैनोरामिक सनरूफ का बड़ा व्यू ऊपर से मिल जाता है। फ्रंट का लेआउट बहुत ही कमाल का लगता है, जैसे ऊपर अभी रूफ रेक्स लगे हुए हैं तो उस पर भी निगाह रहती है कि भाई सामान मेरा ठीक है कि नहीं, उड़ तो नहीं गया, जस्ट किडिंग। रही बात और विजिबिलिटी की, तो आपको लाइट्स प्रोवाइडेड है LED, वो भी ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ ऑन या ऑफ होती हैं, जो कि काफ़ी एलिगेंट लगती हैं। हैंडल्स प्रॉपर मिल जाते हैं, और मेजर हाईलाइट सच्ची बताऊँ हेडरूम, काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है कंसिडरिंग द ओवरऑल हाइट ऑफ द व्हीकल। हेडरूम मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो भी कंफर्ट होने के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि सीट की बहुत ज़्यादा लो सीट रखी गई है कि हेडरूम बनाने के लिए, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है यार ये। आई थिंक एक ऐसी गाड़ी होगी जिसमें अगर मैं फ्रंट पे नहीं भी बैठा, ड्राइव नहीं भी करा, तो मुझे दुख नहीं होगा। बाकी कार्स में क्या है, मैं तो हमेशा ड्राइव करना प्रेफर करता, बट इस पे मैं ड्राइव तो करना चाहूँगा ही, लेकिन इस व्हीकल में मैं रिलैक्स करके लॉन्ग ड्राइव पर ज़रूर जाना चाहूँगा। आई रियली होप ग्रेट वॉल मोटर्स इंडिया में वापसी अपनी करे, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर इंडियन मार्केट में आते हैं ना, तो दो बेनिफिट होंगे, एक तो कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, और दूसरा पता है क्या होगा, अगर किसी को ग्रेट वॉल मोटर्स की हैवल H6 या कोई व्हीकल नहीं भी लेना होगा, तो जो इसके कॉम्पिटिशन है MG हेक्टर या इवन टाटा हैरियर की जीप कंपस की बात करें, तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा और ज़्यादा इंप्रूव होने का। तो जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो मज़ा बहुत आता है, फ़ायदा किसका होता है, हम लोगों का, कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का। तो उस फायदे के लिए डेफिनेटली हैवल या ग्रेट वॉल मोटर्स को इंडिया में आना चाहिए। रही बात पैसों की, तो वहाँ पर भी कंपटीशन होता है, तो प्राइस भी फिर कंपटीशन आता है। हमारी गाड़ी 15 की, हमारी गाड़ी 16 की, हमारी गाड़ी 17 की, तो एक बड़ा अच्छा रेस लगी रहती है कि किसकी गाड़ी बेटर और किसकी गाड़ी कम प्राइस पे आपको मिलती है। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट दी हैवल H6 प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मेरी फेवरेट है, सच्ची बताओ तो। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक का झंझट नहीं, इलेक्ट्रिक के बेनिफिट, पेट्रोल का झंझट यानी कि माइलेज कम होने का झंझट नहीं, लेकिन पेट्रोल माइलेज की रेंज एंजाइटी जो खत्म हो जाती है, पावर मिल जाती है, फील आपको इंजन वाली जो चाहिए होती है, कईयों को इलेक्ट्रिक चलाना बिल्कुल पसंद नहीं होता बिकॉज वो फील नहीं आती ना, वो मज़ा नहीं आता। कईयों को जैसे पहले डीजल इंजन का होता था कि यार डीजल होनी चाहिए गाड़ी, फिर हुआ कि चलो एटलीस्ट इंजन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ना हो, बट पॉइंट वही आता है कि प्लग इन हाइब्रिड मेरी वन ऑफ माई फेवरेट है। प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, पावर भी अच्छी प्रोवाइड करती है, तो एक बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। हैवल H6 प्लग इन हाइब्रिड की बात करें तो टाटा हैरियर जैसी व्हीकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन ही प्रोवाइड करता है, और मज़ा आएगा अगर ये इंडियन मार्केट में आ जाए तो। मेरी तरफ से हैवल H6 के बारे में वीडियो यहीं खत्म होती है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, हमें दुनिया को दिखाना है, दुनिया को बताना है कि इस तरह की, यानी दुनिया मतलब इंडिया को बताना है कि ये वाली टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, कब आएगी। हमें बाकी कंपनीज तक ये मैसेज पहुंचाना है कि प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल विद गुड फीचर्स इंडियन मार्केट में जल्दी आए। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द हैवल H6 प्लग इन हाइब्रिड। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अनटिल देन हमारी बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की सारी वीडियोस चेक करें, और हाँ, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।